हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीआरपी। तो पीआरपी एक प्रोसीजर है जो हम स्किन के लिए भी करते हैं, हेयर के लिए भी करते हैं। पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आपके स्किन पे जो हम करते हैं वो कोलाजन की बूस्टिंग के लिए करते हैं, टू प्रमोट कोलाजन ग्रोथ। हम उसको रीजनरेशन के लिए मेन किया जाता है, स्किन टोन इम्प्रूव करने के लिए और टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो जब आप पीआरपी करवाने आ रहे हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए पीआरपी से 3 या 4 दिन पहले? तो फर्स्ट है कि आपको ग्रीन टी अवॉइड करना है और एस्प्रिन, जो कि एक डिस्प्रिन के नाम से भी आता है, एस्प्रिन आपको अवॉइड करनी है 3 to 4 डेज बिफोर द प्रोसीजर, बिकॉज उससे ब्रूजिंग की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आपको अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करनी है फॉर 2 to 3 डेज बिफोर द प्रोसीजर। आप अपना फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करिए और जस्ट बिफोर द प्रोसीजर 2 hours प्रायर हैव अ गुड अमाउंट ऑफ फूड, हैव गुड स्नैक। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम क्या करते हैं पीआरपी में, तो ब्लड लेते हैं हम आपका और ब्लड को हम डाल देते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में जहाँ पे वो पीआरपी बनता है। आपका फेस क्लीन किया जाएगा, मेकअप रिमूव करेंगे, फिर आपके फेस के ऊपर वी विल पुट अ क्रीम, एनेस्थेटिक क्रीम होती है जो नम करती है आपके फेस को। तो हम जब भी जैसे हम आपका प्रोसीजर करेंगे तो आपको उससे पेन मिनिमाइज हो जाएगा, हार्डली आपको पेन फील होगा। फिर आप वेट किए करिए, आराम से कामली रिलैक्स होके वेट करिए फॉर 45 मिनट्स, फिर पीआरपी बन जाएगा। हम उसको कहीं एरियाज़ में इंजेक्ट करेंगे और कहीं एरियाज़ में माइक्रो नीडलिंग करेंगे। सो माइक्रो नीडलिंग से हम माइक्रो चैनल्स बनाएंगे आपके फेस पे, जिससे क्या कहते हैं आपका जो पीआरपी है बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पेन नहीं होगा क्योंकि हम क्रीम ऑलरेडी लगा रहे हैं। इस पूरे ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन रहता है वो 1 hour से लेके 1.5 hours रहता है। और बहुत पतली नीडल्स यूज़ करते हैं इंजेक्ट करने के लिए, पीडी सिरिंजेस कहते हैं, दे आर एज थिन एज योर हेयर, सो उस बहुत ही पेन मिनिमल होता है। और एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी आपकी पीआरपी करवाने के बाद? आपका फेस एकदम रिजनरेट हो जाएगा एंड यू विल हैव सम सोरनेस ऑल्सो फॉर सम टाइम। यू कैन हैव सम स्वेलिंग और ब्रूजिंग विच विल गेट अवे आफ्टर आई थिंक 4 to 5 डेज, इट गोज अवे विद इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। फिर आपको जो प्रिकॉशंस पीआरपी करवाने के बाद लेने हैं, आपको सोना अवॉइड करना है, विग्रस एक्सरसाइज अवॉइड करनी है, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करना है, टू मच हीट एक्सपोजर अवॉइड करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग फिर अगेन यू विल हैव टू अवॉइड फॉर सम टाइम, यू कैन से फॉर 4 to 5 डेज। देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द इंजेक्शन साइट, जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया है, यू डोंट हैव टू रब दैट एरिया फॉर 1 or 2 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। सो दीज आर ऑल थिंग्स यू शुड टेक केयर ड्यूरिंग, बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पीआरपी। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोसीजर। यू कैन गेट दिस प्रोसीजर डन विद फ्रॉम अस एज वेल, एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस एंड क्यूरीज यू लेट मी नो, वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।